हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किचन बोर्ड। मैंने पिछले एपिसोड में आपको पेड़ा बनाना बताया था, तो आज मैं लेकर आई हूँ गुलाब जामुन। कल राखी है, तो वो पेड़ा तो आप खिलाएंगे राखी के साथ, तो जब आप खाना खाएंगे तो उसके बाद भी तो हम कुछ मीठा खाएंगे, तो उसके लिए मैं लाई हूँ गुलाब जामुन। चलिए बनाते हैं गुलाब जामुन। देखिए फ्रेंड्स, आज हम गुलाब जामुन बनाने जा रहे हैं। इंस्टेंट गुलाब जामुन है, इसमें आपको खोया नहीं बनाना। हमने 1 कप लिया है मिल्क पाउडर, जो सूखा दूध होता है। मैंने 1 कप ये लिया है। मैंने 1.5 कप ये ली है चीनी चाशनी के लिए। 2 चम्मच मैंने ये वाले स्पून लिए हैं। मैंने आटा जो हम खाते हैं, आप आटा डालें, सूजी डालें, मैदा, बट मैं आटे का बना रही हूँ। ये मैंने लिया है 1 छोटा चम्मच। मैंने लिया है ये इलायची पाउडर, ये लिया है बेकिंग पाउडर, ये हम आधा चम्मच लेंगे, और पिंच ऑफ हम लेंगे बेकिंग सोडा, जिन्होंने ऐसे मीठा सोडा भी कहने हैं। एंड ये लिया हमने पानी, जो हम चाशनी बनाएंगे। मैंने 1.5 कप चीनी ली है, तो मैंने 2 कप पानी ले लिया है, थोड़ा सा ज़्यादा पानी लिया है। चलिए पहले हम चाशनी बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये पैन रख दिया है चाशनी के लिए। गैस ऑन करेंगे हम। पहले हम इसमें पानी डाल देंगे। ये 2 कप मैंने डाला है पानी। हमने इसकी चाशनी बनानी है, दो तार वाली नहीं बनानी, बस इतनी बनानी कि थोड़ी सी थिक हो जाए ये पानी। ये जो हमारी चाशनी होगी थोड़ी सी थिक हो जाएगी। ये डाल दिया है, अब इसको हम थोड़ा सा गर्म करेंगे। देखिए पानी थोड़ा सा गर्म हो गया है, अब हम इसमें चीनी डाल देंगे। ये हम इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसके साथ ही ये डाल देंगे इलायची पाउडर। अब हम इसको बॉईल आने देंगे। चलिए अब हम मिक्सचर बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हम बनाने जा रहे हैं मिक्सचर। पहले हम डालेंगे 1 कप मिल्क पाउडर। वैसे हम वो भी बनाते हैं जो खोया वाले बनाते हैं दूध में, पर वो कई कहते हैं कि हमसे बनता नहीं है, तो आप प्लीज़ ऐसे बताएं। तो मैंने कहा चलो आपको ऐसे बताते हैं। तो इसमें हम डालेंगे ये 2 चम्मच, ये मैंने डाला हुआ है, ये आटा डाल देंगे हम। इसमें आटा ज़्यादा भी नहीं डालेंगे, नहीं तो इसमें आटे का टेस्ट आएगा ज़्यादा। बस इसको हम ऐसे मिक्स करेंगे। आप मैदा डालें, सूजी डालें, पर आटा डाल के चलो थोड़ा सा हेल्दी हो जाता है ये। अब हम डालेंगे 1/2 टीस्पून हम डालेंगे इसमें ये बेकिंग पाउडर। पिंच ऑफ हम डालेंगे मीठा सोडा, बेकिंग सोडा, जो खाने वाला सोडा होता है, बस हम पिंच ही डालेंगे। अब हम इसको मिक्स करेंगे। बेकिंग पाउडर इसलिए हमने डाला है क्योंकि बेकिंग पाउडर से फूल जाएगा ये, और मीठा सोडा इसलिए डाला है हमने, जो खाने वाला सोडा होता है उससे हमारे हार्ड नहीं बनते हैं, थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं। अभी हम इसको दूध के साथ नहीं गूंथेंगे क्योंकि ये वैसे ही हमारा मिल्क पाउडर है, ये सारा ही दूध है, तो अब हम इसको पानी के साथ गूंथेंगे। हम पहले अंदाजे के साथ पानी डालेंगे। हम इसको 2, 3, 4, 5 स्पून हमने पहले डाला। हम इसको मिक्स कर लेंगे। हमने इसको आटा बनाना है। देखें ऐसे ही आप इसको मिक्स करेंगे। देखिए कम लग रहा है, तो हम इसको ऐसे कर लेंगे। फिर हम 1, 2, फिर हमने और पानी डाला। अब हम इसको आटे की तरह गूंथेंगे। बहुत है ये, ये देखें इसकी बॉल बनने को हो जाएगी रेडी। ये ठीक बन रहा है ये। देखिए फ्रेंड्स, हम इसको आटे की तरह गूंथ लेंगे। ये देखें बस ये हो गया है टाइट। अब हम इसका गोला सा बना लेंगे। गोला सा बन गया है ये। अब हम इसकी छोटी छोटी गोलियां बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, चाशनी हो रही है हमारी। ये हमने फुल फ्लेम पे ही इसको रखा हुआ है। अभी थोड़ी सी ये पतली है। हम इसको 15 मिनट हम इसको बॉईल करेंगे चाशनी को। ये देखिए हमें 7 मिनट हो गए हैं इसको बॉईल करते करते, तो हम थोड़ा सा और इसको करेंगे। टोटल हम 15 मिनट करेंगे इसको। देखिए फ्रेंड्स, घर ये हाथ पे आप थोड़ा सा ऑयल लगा लें, फिर आप ऐसे तोड़ें तो इसकी गोलियां बनाएं आप ऐसे, जैसे हम आटे की वो फुल्का बनाते हैं तब हम बनाते हैं। ये देखें
आपको जितनी बड़ी बनानी है, आपने इससे थोड़ी सी बड़ी बनानी है, तो आप थोड़ा सा और इसको करें, ये देखें ये बन जाएगी। ऐसे ही आप और बनाएंगे, ये देखें। अब हम ऐसे ही सारे पेड़े बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये बन गए हैं हमारे 10 बॉल्स बनी हैं ये। तो आप इसको शेप कोई भी दे सकते हैं, गोल दें, लंबाई में दें, किसी में भी दें। अब हम चाशनी देख लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड, 15 मिनट हो गए हैं हमारे, ये देखें, ये थोड़ी सी थिक हो गई है चाशनी, बस हमें होनी चाहिए। अगर हम होर करेंगे तो ये फिर बहुत थिक हो जाएगी, तो हमारे गुलाब जामुन इसमें नहीं कर पाएगा, रस नहीं चूस पाएगा। अब हम इसकी फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने ऑयल डाल दिया है, इसको हमने ज़्यादा गर्म नहीं करना, हमने इसको थोड़ा सा कोसा ही रखना है। ये डाल के देख लेंगे हम बॉल, ये देखें, ये ज़्यादा वो नहीं हो रहा, तो इसका मतलब इसका ठीक है फ्लेम, इसका ज़्यादा गर्म नहीं है। ज़्यादा गर्म में रखेंगे तो हमारी बॉल्स हमारी सड़ जाएंगी, तो इसलिए हम इसको मीडियम फ्लेम पर ही रखेंगे। और थोड़ा सा कोसा कोसा होगा तो बस वही हमें ऑयल चाहिए। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके ऐसे बॉल डालते जाएंगे। देखिए सारी बॉल्स हमने डाल दी हैं, ऐसे ही हमने चम्मच के साथ इसको ये पूरा पूरा ऑयल करते रहना और हिलाते जाना है इसको पूरा। ये ऑयल मतलब सबके ऊपर डलता जाइए। ये देखिए थोड़ा सा ब्राउन होना शुरू हो गया है, हम इसको जो लग रहा है हम उसको पलट देंगे कि ज़्यादा हाई पे फिर ये सड़ जाएंगे। ये देखें, मीडियम गैस पे आप रखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे ब्राउन हो गए हैं, ये देखें, क्योंकि हमने इसको मीडियम फ्लेम पे रखा है, क्योंकि अगर हम हाई पे रखते तो हमारा आटा भी नहीं पकना था बीच में, हमने आटा डाला है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे, गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे, अब हम इसको निकाल लेंगे। चाशनी हमें ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए, गर्म गर्म चाशनी में आप बिल्कुल नहीं डालेंगे, आपको चाशनी बिल्कुल ऐसे चाहिए जैसे वो बिल्कुल ठार सी होती है, कि थोड़ी सी कोसी कोसी सी हो, वो वाली चाशनी हमें चाहिए। ये देखें, ये निकल गया है। अब थोड़ी सी हमारी ये चाशनी जब कोसी हो जाएगी फिर हम उसमें डालेंगे ये बॉल्स। देखें सर, ये चाशनी हो गई है, ये हमारी थोड़ी सी कोसी है, अब इसमें हम बॉल डाल देंगे सारी। अब हम इसमें डिप करके रखेंगे, ये देखें ऊपर, पहले हम सारी चाशनी हम ऊपर कर देंगे, फिर हम इसको कर 15-20 मिनट के लिए रख। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे गुलाब जामुन बन गए हैं, बिल्कुल परफेक्ट हैं, ना हमने खोया लिया इसमें, बस सूखे दूध से हमने बना डाले हैं, ये मिनटों में बन चुके हैं ये। तो आप इसको ठंडा करके खाएं, गर्म करके खाएं, हमने दूध से भी नहीं गूंधा इसको, इसको पानी से गूंधा हमने, 7 चम्मच हमने पानी डाला और इसको हमने गूंध दिया। तो आप इसको बनाएं और खाएं। अगर आपको मेरी रेसिपी ये अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट तो ज़रूर ही करें।